क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये प्रोजेक्टाइल का सवाल है। इसमें कहा गया पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड यू फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो पाई बाई थ्री का मतलब 60 डिग्री पर कहा जा सकता है, 60 डिग्री के एंगल पर यू वेलोसिटी से कोई पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है, इसका मास दिया गया है एम, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, जो एंगल दिया गया हॉरिजेंटल जो है एक्स एक्सिस है, तो एक्स डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। व्हेन इट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम हाइट इट कोलाइड्स कंप्लीटली इन इलास्टिकली विथ अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास एंड वेलोसिटी यू आई कैप। जब हाइएस्ट पॉइंट पर जाता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है यू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाली जो वेलोसिटी होती है वो हो जाता है जीरो, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। ठीक, यहाँ पर एक दूसरे पार्टिकल से टकराता है, इसका भी मास जो है वो एम ही है, इसका भी मास एम था, ये भी जा रहा था यू से, ठीक, और दोनों इस तरह से टकराते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से ट्रेवल करने लगते हैं, तो फाइनली जो है इनका मास हो जाएगा 2m। मैं मान लेता हूँ कोलिजन के बाद ये v वेलोसिटी से जा रहे हैं। ठीक, आगे क्या कहा गया, कहा गया द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द कंबाइंड मास बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग तो इनका कॉमन वेलोसिटी पता करेंगे बाई यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम जो है इसके पास है एम इंटू यू कॉस 60 डिग्री प्लस दूसरे वाले के पास था एम इंटू यू, और फाइनली कोलिजन के बाद दोनों का कंबाइंड मास है 2m और वेलोसिटी है v। सारी वेलोसिटीज हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लिया हुआ है। ठीक, तो देखेंगे ये एम तो कैंसिल हो गया, इधर आएगा 3u बाई टू 2v, यानी कि v का वैल्यू हो गया 3u बाई 4। तो इतनी वेलोसिटी से अब ये चलेंगे, है ना, सपोज ये मैक्सिमम हाइट जो था वो था h, जिसकी वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो इस हाइट से इस वेलोसिटी से ये पार्टिकल चलेंगे, है ना, तो इसमें हमें बताना है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मास बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। अब यहां से कितना आगे और जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं एक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, टावर से जब हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया जाता है अगर ये हाइट h हो तो ये जो रेंज आता है वो आता है v अंडर रूट 2h बाई जी, ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो यहाँ भी हम लोग वही पता करेंगे, r इज इक्वल टू v का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 3u बाई 4 और 2 बाई जी इंटू हाइट h, h का वैल्यू यहाँ पर है ये है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है रूट 3 बाई 2, है ना, तो स्क्वायर है यहाँ पर तो 3 बाई 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एक 2 पहले से है यहाँ पर, है ना, तो ये आया ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व करके निकाल सकते हैं जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ यू स्क्वायर है इसको बाहर करा जा सकता है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, है ना, और ये है यहाँ पर 4 तो इसका तो आ जाएगा 2 तो डिवाइडेड बाई 8 और ये का आएगा 3√3 और यहाँ पर एक जी है वो भी रूट के अंदर है, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं 3√3 बाई 8 यू स्क्वायर बाई रूट जी, है ना। अच्छा, यहाँ पर भी एक जी है तो इसको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये है यहाँ पर 2h बाई जी, एक जी यहाँ पर छूटा हुआ है तो ये रूट गायब हो जाएगा, है ना। तो फाइनली आंसर ये आया, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे ये आएगा 3√3 यू स्क्वायर बाई 8g, है ना, तो ये जो है ये करेक्ट आंसर हो गया।